आज हम क्लास 8 की प्रश्नावली 2.2 के क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व करेंगे। आपका क्वेश्चन नंबर 13 है, एक परिमेय संख्या को 5/2 से गुणा कर 2/3 जोड़ने पर -7/12 प्राप्त होता है, वह संख्या क्या है? तो हम मान लेंगे, माना वह संख्या x है, माना वह संख्या x है, ठीक है। अब प्रश्नानुसार हमसे कहा गया है कि उस संख्या को 5/2 से गुणा कर, परिमेय संख्या x है, इस संख्या को 5/2 से गुणा कर 2/3 जोड़ने पर, 2/3 जोड़ने पर -7/12 प्राप्त होता है। तो जो हमें प्राप्त होगा मतलब वो हमारा आंसर होगा, तो उसको हम बराबर के इस तरफ लिखेंगे, -7/12 ये हमें प्राप्त होता है जब हम इस टर्म को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। x का गुणा 5 से होगा तो 5x आएगा, यहां पर 2 हो जाएगा, ये यहां पर अभी हमने वैसा ही लिख दिया। अब यहां पर देखिए, ये जो टर्म है ये अचर पद है, इसको हम इस तरफ ले जाएंगे अचर पद के पास में, तो ये यहां अभी प्लस का है, इस तरफ आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो यहां पर 5x/2 बचेगा, और यहां पर -7/12 पहले से लिखा था, ये प्लस का जो 2/3 है वो लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में जाएगा, तो इसका चिन्ह चेंज हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा 2/3, ठीक है। अब ये अभी हमने 5x/2 को ऐसे ही लिखा। अब इसका हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे हर का, तो 12 और 3 का जब एलसीएम लेंगे आप तो आएगा 12, लासा बोलते हैं इसको हिंदी में, 12 से 12 को भाग देंगे तो 1 बार आ जाएगा, और 1 का गुणा -7 में करेंगे तो -7 आएगा, फिर ये माइनस लगा, 3 का भाग देंगे 12 में तो 3 चौको 12, 4 बार आएगा, 4 का गुणा 2 में करेंगे तो 4 दूनी 8 आएगा, ठीक है। तो यहां पर आ जाएगा 5x/2 बराबर। अब यहां पर देखिए, ये संख्या भी माइनस की और ये संख्या भी माइनस की, तो समान चिन्हों की संख्याएं जुड़ जाती है और चिन्ह दी गई संख्याओं का आता है, मतलब ये जुड़ेंगी तो 8 और 7 15 हो जाएगा, और चिन्ह दी गई संख्याओं का मतलब माइनस आएगा, बटे में 12। अब देखिए यहां पर 2 भाग कर रहा है, वो इस तरफ आएगा तो यहां पर गुणा करेगा, तो यहां पर आपका 5x बचेगा, यहां पर माइनस का 15/12 गुणा 2 हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसके आगे यहां पर सॉल्व करते हैं, यहां पर आपका क्या है, 5x है, यहां पर 15 का गुणा 2 से हो जाएगा तो 15 दूनी 30, और ये चिन्ह माइनस का तो माइनस का 30 आ गया, बटे में आपका 12 है, ठीक है। अब यहां पर हमको x का मान चाहिए, वो संख्या हमारी x है, और यहां पर हमें 5x लिखा हुआ है, इसलिए 5 को हटाना पड़ेगा। तो जब 5 और x के बीच में कोई साइन लगा है क्या? कोई साइन नहीं लगा है। जब इनके बीच में कोई भी चिन्ह नहीं लगा है तो हम यहां पर मानते हैं कि इनके बीच में गुणा का चिन्ह है, ठीक है ना। तो जब ये गुणा कर रहा है तो इस तरफ आएगा तो भाग करेगा, ठीक है। तो ये माइनस का 30/12 लिख दिया। अब देखिए, भाग करेगा तो नीचे आएगा, तो यहां पर अगर हम नीचे ऐसे 5 लिख देंगे तो ये तो 125 लगने लगेगा, इसलिए हम यहां पर क्या कर देंगे, गुणा का निशान लगा देंगे, क्योंकि ये संख्या यहां पर नीचे पहले से 1 लिखी हुई है, ठीक है। तो यहां पर x बराबर आ गया -30, नीचे आ गया 12 5 60। तो अब देखिए, ये 0 से ये 0 कट गया, यहां पर आपका है एक्स बराबर -3/6। अभी इसको ऐसी संख्या से काटे तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो यहां पर आ गया आपका -1/2, मतलब वो परिमेय संख्या क्या होगी, -1/2। यहां पर लिख दीजिए आप, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।
चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर दीजिए ताकि आपको क्लास 8 के आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।